वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज है अप्रैल 30, 30। तो आज अप्रैल का लास्ट दिन है, इतनी जल्दी अप्रैल भी चले गया है और कल से मई मंथ चालू होने वाला है। जल्दी हमारी स्कूल की समर हॉलीडे स्टार्ट होने वाली है, वो है 11 मई से। तो पहले 45 डेज़ की रहती थी, अभी सिर्फ 30 डेज़ की रह गई है, 30 या 33 डेज़ की मिलेगी। तो अभी मॉर्निंग उठ गए हैं, रेडी हो गए हैं अच्छे से समर कैंप लेने के लिए। तो जाते हैं और मिलते हैं आपको स्कूल में। और बन रहा है हमारा टिफिन और ब्रेकफास्ट, तो मिलते हैं आप लोगों को स्कूल में डायरेक्टली। पहुंच चुके हैं हमारे ब्यूटीफुल से ग्राउंड में, स्कूल के ग्राउंड में। और बच्चे जा रहे हैं बॉल वगैरह लाने के लिए, और मॉर्निंग का व्यू तो बहुत ही अच्छा होता है, और बारिश के बाद तो और ज़्यादा अच्छा हुआ। ज़्यादा बारिश नहीं करी, नहीं तो कीचड़, ज़मीन कीचड़ हो जाती, क्योंकि बहुत ज़्यादा नरम ज़मीन है, कीचड़ हो जाती। वहाँ से हो रहा है सनराइज, अभी चालू है हमारी पासिंग ड्रिल। बच्चों को सिखा रहे हैं कि सीधा पास कैसे देते हैं, बॉल के पास जाना पड़ता है, तो ये सब चीज़ें सिखा रहे हैं बच्चों को। ये जो एज के बच्चे हैं मेरे पास, ये है 3rd 4th के बच्चे, इनको जितना बॉल एक्टिविटी कराएंगे उतना ही है। एनर्जी तो पहले से रहती है इनको, बस इनको बॉल एक्टिविटी जितना ज़्यादा कराएंगे उतना अच्छा रहता है इनके लिए। स्कूल से आ गए थे घर वापस, और नागपुर में तो इतनी भयानक धूप है, ऐसा लग रहा है जैसे आग जलाते हैं और छुपती है, वैसी धूप लग रही है। इतनी भयानक, बहुत ही ज़्यादा धूप है, बहुत ही ज़्यादा, एकदम ऐसी चुभ रही है धूप एकदम ज़्यादा। तो ये मैडम हमारे लिए बना रही है फ्राई राइस, तो खाते हैं और रेस्ट करते हैं। कूलर वगैरह चालू कर लिया है, रेस्ट करते हैं और शाम को जाएंगे वॉकिंग के लिए। आज से थोड़ी बहुत वॉकिंग वगैरह चालू करेंगे, पर हमको वॉकिंग के लिए जाना पड़ेगा 5:30-6 बजे के बाद, क्योंकि नागपुर में 6 बजे तक भी बहुत भयंकर धूप रहती है। जो नागपुर वाले ये व्लॉग देख रहे हैं उनको समझ में आएगा नागपुर में कितनी भयानक धूप रहती है। अगर जो बाहर वाले एक्सपीरियंस करना है गर्मी बहुत भयंकर वाली, तो नागपुर आ जाओ। तो मिलते हैं आपको शाम को डायरेक्ट खाना वाना खाने के, रेस्ट वेस्ट करने के बाद। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कुछ ऐसे दिन होते हैं जो कुछ ऐसे दिन जाते हैं जिसमें हमको कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। वैसे मेरा कल का दिन गया, लेट सो के उठे आफ्टरनून में और कुछ भी व्लॉग नहीं कर पाए। बहुत सारी जगह गए थे पर कुछ भी व्लॉग नहीं कर पाए। तो आज है लेबर डे, 1st of May। इतने जल्दी अप्रैल भी ख़त्म हो चुका है 1st of May, और आज सबकी छुट्टी रहती है, गवर्नमेंट हॉलीडे है। हमारे टीचर्स की भी छुट्टी है, पर समर कैंप चालू है तो हमको समर कैंप लेने जाना है। तो फुल रेडी हो गए, और बहुत दिनों बाद ब्लू टी शर्ट पहने हैं, बहुत दिनों से रखी हुई थी, पहनने वाले थे पर अभी पहन लिया है। और अभी निकल रहे हैं हम डायरेक्टली स्कूल के लिए। तो आज बहुत सारी जगह का प्लान है, तो डैडी को कुछ सरप्राइज़ भी देने का बहुत सारी जगहों का प्लान है, तो चाहते हैं। और यहाँ से ज़्यादा भी अच्छा है क्योंकि सूर्य यहाँ से निकलता है, यहाँ से ज़्यादा। ये हमारा छोटा सा गार्डन, फूल वगैरह, हमारी गाड़ी भी रेडी है और निकलते हैं डायरेक्टली स्कूल के लिए। निकल चुके हैं हम घर से, और जाते जाते मस्त एक कुछ खरीद लेंगे और एक कुछ खाएंगे और फिर चले जाएंगे सीधा स्कूल। आपको जल्दी हो जाएगी, जल्दी अटेंड नहीं करना है, जल्दी आ जाएगी। और मॉर्निंग का मौसम तो बहुत ही अच्छा रहता है नागपुर का, और आफ्टरनून में गर्मी होती है बहुत ज़्यादा। आ चुके हैं हम ग्राउंड में, और ये जो व्लॉग है ये व्लॉग कंटिन्यू कर रहे हैं, तो सेम वीडियो आपको देखने को मिलेगा। आप टी शर्ट चेंज है, बहुत दिनों बाद टी शर्ट पहने हैं, बच्चों को भेज दिया है बॉल लाने के लिए, बॉल उधर साइड स्टोर करते हम लोग। और ग्राउंड की खूबसूरती, हो रहा है सनराइज, और ये हमारा ब्यूटीफुल सा ग्राउंड स्कूल का, और ये खड़े हैं हम यहाँ पर।
तो प्रैक्टिस चालू करते हैं और फिर मिलते हैं आपको प्रैक्टिस के बाद, और थोड़ी बहुत क्लिप्स बताते रहते हैं आपको प्रैक्टिस की, तो मिलते हैं आपको प्रैक्टिस के बाद। हो गया है हमारा कैंप ख़त्म और सीधा जा रहे हैं हम घर, और निकलते हैं घर, और घर में बहुत स्पेशल नाश्ता बना है तो इसलिए निकलते हैं जल्दी से घर। घर की ओर और कैमरा लगा दिया है हेलमेट पर, और ये एक्शन कैमरा है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल वीडियो आते हैं, और जो इसका वाइड एंगल है वो तो बहुत ही ज़्यादा जोर है। तो निकल गए हैं घर की तरफ और मिलते हैं आपको घर पे सीधा। आगे हम लोग घर वापस, और यहाँ पर बन रहा है मस्त सामरोड़ा बैटर रेडी हो रहा है, और मम्मी ने लगाया है सुंदर सा गजरा छोटा सा, और डैडी भी आया, डैडी की भी छुट्टी है, डैडी भी तैयार होके चर्च वर्च जाके आए हैं, और हम भी जल्दी से घर कैंप खत्म करके घर आ गए हैं। और आज क्या है? आज है, और हम पूरे मजदूर आज पूरे घर पर हैं, हम पूरे मजदूर पूरे घर पर, हम लोग जल्दी छुट्टी हो गई है हमारी आज, मजदूरी करेंगे हम आज। आज है महाराष्ट्र डे, उसको बोलते हैं लेबर डे, तो हैप्पी लेबर डे सबको, हम भी एक लेबर हैं, तुम भी एक लेबर हो जो भी देख रहा है। तो अभी कुछ नाश्ता वगैरह करते हैं और फिर कहीं जाने का भी प्लान है, तो चलते हैं फिर। अरे ये पर रोमन का हाँ, तो मैं हूँ ना, जो दो रोटी उसने उसको पकड़ चटनी नहीं बनाया उसे, ये तेरी चटनी है ये ले। बोल रहा तो मैं डैडी बाबू मामा फोन नहीं उठा रहे। डैडी इतनी जल्दी, इतनी जल्दी मेरे मामा के सुबह नहीं होंगे, वॉशरूम में होंगे। अरे धन्यवाद, थैंक यू, क्योंकि बताएंगे जब से बना। क्या आप बताएंगे कैसा लग रहा है? बेस्ट टेस्ट, एकदम जोरदार। नहीं नहीं, पर डैडी बोल रहे थे आप कब खा रहे हो? खट्टा हो गई। हाँ खट्टा हो गया वो, बहुत ही जोरदार टेस्ट, और खा रहे मजा आ गया। अभी हम लोग सब तैयार हो गए हैं और जा रहे हैं एक सीक्रेट जगह, वो आज ले तो भी दिन है, तो लेडी यहाँ पर फोटो निकाल रहे हैं तीनों की, और यहाँ हम खड़े हैं। हेलो, अबे हेलमेट, इतनी भयानक गर्मी है नागपुर में कि क्या बताए, हेलमेट पहन लेते हैं और सब वहाँ खड़े हुए हैं, और मैडम को गाड़ी लेना पड़ेगा। निकल चुके हैं, डैडी मेरे पीछे बैठे हुए हैं, पीछे से आ रहे हैं, हमारे पास निकल रहे हैं, और पहुँचते हैं हमारी जगह जहाँ हमको टैक्सी कम पर डैडी को लेके जाने का है, तो वहाँ पहुँचते हैं। गाड़ी लगा दी है हमने वहाँ पर,
और हम लोग यहाँ पर खड़े हैं और आए हम लोग मैक्स उस दिलानी के लिए। तो अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं कुछ नया कलेक्शन आया है कि नहीं आया है। चलो सेक्शन देख लिया है, अभी बच्चे लोग का सेक्शन में आए हैं और हमको तो जाना है मेन सेक्शन में, तो हम चलते हैं ऊपर। चलो ऊपर, यहाँ पे कुर्ते वर्ते भी है, देखना है क्या? चलो जो जो चीज़ें होना था वो खरीद लिए है और अभी जाते हैं, देखते हैं कि मम्मी और ये लोग फीमेल सेक्शन में लोग क्या खरीदते हैं। चलते, वीडियो की क्वालिटी तो बहुत ज़ोरदार आ रही रहेंगी, फैमिली वालों को भी दिखाते हैं, बहुत ज़ोरदार आती है क्वालिटी यहाँ पर, क्योंकि लाइटिंग उतनी ज़्यादा लगी है इसलिए बहुत ज़ोरदार क्वालिटी आती है। तो यहाँ पर आए हैं, देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पर। आज पूरा शॉपिंग डे मना रहे हैं हम लोग। अरे रहे हम हमारे छोटे से कैमरे के साथ, इंस्टा एस 360 प्रो, इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़ोरदार है। ऊपर ही था सॉक्स, पूरा किड जोन है जो दिख रहा है, ये पूरा किड जोन है और यहाँ मम्मी लोग दिख रहे हैं और हम दोनों यहाँ पे खड़े हुए हैं। देखते हैं मम्मी लोग को क्या पसंद आता है। हो गई है शॉपिंग कंप्लीट और जा रहे हैं सीधा घर। घर नहीं जाएंगे अभी, वीडियोग्राम में लस्सी पियेंगे और लस्सी पीने के बाद जाएंगे हम सीधा घर। बच्चों के भी अच्छे अच्छे मैक्स आते हैं क्योंकि मैक्स के जो कपड़े होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्वालिटी वाइज भी अच्छे होते हैं, क्योंकि हमने टी शर्ट वर्ट जीन्स वगैरह पहले भी यूज़ करे हैं तो बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए आते हैं बार बार यहाँ पर और थोड़े रेट्स में भी डिस्काउंट हो जाता है। ये जा रहे हैं सीधा घर की तरफ, लस्सी वस्सी पीते पीते जाएंगे। बढ़िया, पैसे वगैरह भी निकालना है तो देखते हैं, चलते हैं सीधा घर। आ गए घर वापस और बाल वाल भी कटा कर आ चुके हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बाल बढ़ गए थे और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और ये मैडम हमारे लिए बना रही है खाना, प्याज व्याज काटना चालू है, भूख तो लग गई है जोर से। देखो रात के 2:30 बजे, दिन के 2:30 बज रहे और अभी हमारे घर में खाना बनना स्टार्ट होगा, तो छुट्टी के दिन ऐसे ही होता है, थोड़ा टाइम हो जाता है छुट्टी के दिन ऐसे ही होता है। हाँ दरवाजा खोल के देखो ना क्या है, और इन लोग लोग गए थे हॉस्पिटल और कुछ कुछ खाने का सामान लिया है, टोस्ट वगैरह, तो उसको लेते हैं हम अंदर और शाम को चाय के साथ, बहुत अच्छा हो जाता है ये शाम के चाय के साथ खाने के लिए। चलो अभी होते हैं फ्रेश और वेट करते हैं हमारे लंच का। अभी मस्त सो के उठ गए थे, बहुत ज़्यादा थक मार के आए थे और अभी मैडम बना रहे हैं अपने लिए टिफ़िन क्योंकि इनकी तो नाइट ड्यूटी है। और मसाला बैगन, मसाला खड़े बैगन बन रहे हैं घर पर और हम जा रहे हैं हमारी फेवरेट प्लेस कैफे जो एक चाय पी के आते हैं और जल्दी से वापस आते हैं क्योंकि इनको भी ड्यूटी छोड़ने जाना है हमको, तो चलते हैं और वापस आते हैं। चाय वाय पी लिया है और चल रहे हैं सीधा अभी घर की तरफ। जा रहे हैं हम मैडम को छोड़ने के लिए ड्यूटी, उनकी नाइट ड्यूटी है।
घर आ गए थे और रोजरी वगैरह बोल लिए थे और अभी बैठ के देख रहे हैं हम मैच आईपीएल का, और आज है चेन्नई और पंजाब का मैच। रेडी बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैच देख रहे हैं बैठकर। और इंडिया की T20 टीम वर्ल्ड कप के लिए भी अनाउंस हो गई है। पार्शलिटी तो खुलेआम दिख रही है कि जो प्लेयर परफॉर्म नहीं भी कर रहा है वो भी प्लेयर को BCCI जो है उनने ले लिया है, तो बहुत सारे चेंजेस हो सकते थे टीम में, पर हम तो सिर्फ बोल सकते हैं, सेलेक्टर्स का काम है सेलेक्ट करना। देखो अब T20 में क्या हाल होते हैं। तो मिलते हैं आपको, डिनर करते हैं और मिलते हैं आपको डिनर के। आज ज़्यादा डिनर नहीं करेंगे क्योंकि पेट थोड़ा सा कुछ हल्का सा गड़बड़ लग रहा है, तो आज हम खाएंगे दही और रोटी, तो पेट को थोड़ा शांत रखेंगे। रात के समय वैसे भी थोड़ा कम ही खाना चाहिए, तो कम खाएंगे और खाते हैं और थोड़ा 10-15 मिनट वॉकिंग करते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से बाद में। डिनर हो चुका है और आए हैं वॉकिंग करने के लिए। मेरी वाइफ तो भाई है जॉब पर नाइट ड्यूटी, तो वॉकिंग करते हैं और चलते हैं सीधा रेस्ट करने के लिए। तो इस व्लॉग को करता हूँ मैं यहाँ पर ही एंड, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। ध्यान रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और इन्जॉय करिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर।